जिस मुलाकात पर थी पूरी दुनिया की नजर, जिसे देख रहा था अमेरिका ब्रिटेन, उसी को लेकर मोदी ने कर दिया खेल अचानक। सीओ समिट से बना ली दूरी, ना जिनपिंग से होगी मुलाकात, ना शहबाज का चेहरा देखना चाहते हैं मोदी। अचानक ऐसा क्या हुआ जो मोदी ने बदला फैसला, पुतिन से भी टली मुलाकात। मोदी ने क्यों अपने सबसे बड़े सेनापति को भेज दिया कजाकिस्तान। अब मुस्लिम देश में दहाड़ेगा हिंदुस्तानी शेर, जयशंकर को देख पाकिस्तान हो गया बेचैन। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार होने वाली थी मोदी और पुतिन की मुलाकात। जिनपिंग भी दिखते साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी हो सकती थी बात, लेकिन मोदी के एक फैसले ने दो देशों के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। मोदी ने अचानक रातों रात एक फैसला लिया जिसे देखकर पुतिन भी चौंक गए, लेकिन इसके बाद सारा राज खुल गया। मोदी अब एससीओ समिट में नहीं जाएंगे। मोदी पहले कजाकिस्तान में होने वाली समिट में शामिल होने जाने वाले थे। अगर मोदी जाते तो पुतिन से मुलाकात होनी उनकी तय थी। माना जा रहा था कि मोदी की इस मुलाकात के बाद पुतिन यूक्रेन में चल रहे सैन्य हमले रोक देते और दो देशों के बीच युद्ध समाप्त हो जाता, क्योंकि पुतिन और मोदी अच्छे दोस्त हैं और पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन मोदी की बात कभी नहीं टालते। लेकिन दो दुश्मन मुल्कों की वजह से मोदी ने खुद ना जाकर अपने सेनापति को भेज दिया है और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर कजाकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और जिनपिंग से लेकर शहबाज को भारत का एजेंडा डंके की चोट पर बता सकते हैं। भारत में बैठकर मोदी ने चीन और पाकिस्तान के साथ बड़ा खेल किया, साफ शब्दों में इनकार कर दिया। आप जिनपिंग और शहबाज से मुलाकात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान नहीं मानेगा किसी दूसरे देश की बात, खुद ना जाकर भेज दिया अपना सिपाही। दरअसल पीएम मोदी ने अगले महीने कजाकिस्तान में होने वाले शंघाई संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने 3 और 4 जुलाई को होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए अस्ताना नहीं जाने का फैसला किया। हालांकि पहले उन्होंने ये कंफर्म किया था कि वो एससीओ सिक्योरिटी समिट के लिए कजाकिस्तान जाएंगे। इसके चलते उनकी एडवांस सिक्योरिटी टीम ने अस्ताना जाकर वहां सुरक्षा का जायजा भी लिया था। हम आपको बताएंगे कि आखिर मोदी समिट में क्यों नहीं जा रहे, पर आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि उन्होंने अपने किस सिपाही को इस सम्मेलन में जाने के लिए चुना। दरअसल मोदी ने अपनी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस समिट में हिस्सा लेने के लिए कहा। एस जयशंकर मोदी के वो सिपाही हैं जिससे समय समय पर चीन और पाकिस्तान डरते रहे हैं। चीन को लेकर एस जयशंकर के बयान से एक बार ग्लोबल टाइम्स की भी हालत खराब हो चुकी है। और अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने एससीओ में शामिल नहीं होने का फैसला संसद सत्र के चलते किया, जो 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के अलावा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 2 से 4 जुलाई के बीच लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। हालांकि आपको बता दें कि 2022 में जो रूस और यूक्रेन जंग ने भारत और रूस की बातचीत को काफी मुश्किल बना दिया था, और इस वजह से पीएम मोदी 2 साल से रूस के राष्ट्रपति पुतिन से नहीं मिल पाए हैं। दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात 2022 में उज्बेकिस्तान में हुए एससीओ समिट में ही हुई थी, और तब भी ज्यादा चर्चा जंग पर मोदी के दिए बयान पर रही। मोदी ने पुतिन से कहा था, यह युग युद्ध का नहीं है। तब से भारत और रूस से सालाना पुतिन मोदी शिखर सम्मेलन नहीं गए। पुतिन चीन, नॉर्थ कोरिया और सऊदी जा चुके हैं, लेकिन वो एक बार भी भारत दौरे पर नहीं आए। भारत ने 2023 में एससीओ की अध्यक्षता की, लेकिन शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल मोड में किया। मोदी ने समरकंद में 2022 के एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कोई बैठक नहीं की। बाद में बाली G20 शिखर सम्मेलन में शी और मोदी की थोड़ी बहुत बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में छोटी बैठक हुई, और इस सम्मेलन में मोदी के ना शामिल होने की वजह शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ को बताया जा रहा है। हालांकि ये तय है कि जब एस जयशंकर कजाकिस्तान में होने वाली इस एससीओ समिट में शामिल होंगे तो दोनों देशों को अकेले अपने दम पर जवाब देने की कुव्वत रखते हैं और दोनों देश उनसे थरथर कांपते भी हैं।